गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिक्स इंग्लिश मीडियम ये आपका लेसन सिक्स चेंजेस अराउंड अस। इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझा दिया था मैंने, चेंजेस क्या होते हैं फिजिक, फिर आपने देखा था रिवर्सिबल चेंजेस क्या है, फिर इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, फिर अपना फिजिकल चेंजेस क्या है, फिर केमिकल चेंज, इसमें फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसिव एंड कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। इसके पहले आपने देखा था रिवर्सिबल चेंजेस क्या है और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, फिर आपने देखा फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है, फिर उनके एग्जांपल्स आपने देखे। अब आपका है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, ये क्या होता है, तो ये देखिए सम ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग, इन साइज ऑन हीटिंग, हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द molecules of the object to move apart which makes them आपका नेक्स्ट इसी में आप ये लिख सकते हैं दिस चेंज इन अरेंजमेंट कॉजेस द ऑब्जेक्ट्स टू इंक्रीज द साइज to increase in size, size. This changes is called expansion. एक्सपेंशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है इंक्रीज करते हैं साइज में, इसमें आप लिख सकते हैं साइज इन ऑन हीटिंग, हीटिंग के दौरान अपने ऑब्जेक्ट साइज में इंक्रीज कर जाते हैं, और हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव दे पार्ट, द हीटिंग जो प्रोवाइड होती है उससे एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्जेक्ट के वो मूव करने लगते हैं, विच मेक्स देम लूज, वो फिर मूव करने के कारण वो लूज हो जाते हैं। दिस चेंज इन अरेंजमेंट वो जो अरेंजमेंट उनके बीच में चेंज होता है उनके अरेंजमेंट में, वो ऑब्जेक्ट का कॉज बन जाता है कि वो साइज बढ़ा देते हैं, यानी साइज इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसन। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन। नेक्स्ट आपका है टॉपिक
क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। इसके अंदर जैसे आप एग्जांपल इसके दे सकते हैं, फर्स्ट आपका ब्लैक, इसमें थ्री आयरन टूल्स ये आप दे सकते हैं। सेकेंड आप दे सकते हैं एप्लीकेशन में मेटल, मेटल बीम्स, ऑन द बीम्स ऑफ ए वुडन कार्ट can be fitted by contraction and expansion. इसके अंदर आप ये दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन के अंदर आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। फर्स्ट आपका है ब्लैक स्मिथ हीट आयरन टूल्स। ब्लैक स्मिथ जो है अपने आयरन टूल्स को हीट करते हैं और आयरन जिससे सॉफ्ट हो जाता है हीटिंग से, और फिर आप उनको तोड़, यानी वो आयरन टूल्स को जब गर्म करते हैं तो वो अच्छे से आयरन हीट हो जाता है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर उस पर चोट यानी बीट करके उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, गर्म करके उसको बीट करके कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मेटल रिंग्स हैं जो रेल्स पर पहिए के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, तो पहले फिट करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन या आपका प्रोसेस कराया जाता है। इसके अंदर पहले क्या करते हैं, पहले मेटल रिंग्स को गर्म करते हैं, फिर वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फैलने के बाद वो ईजिली व्हील्स के ऊपर स्लिप बैठा दिए जाते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो मेटल कॉन्ट्रैक्ट टाइटली फिट हो जाता है इसमें व्हील्स में। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा आप मेटल रिंग्स को व्हील के ऊपर चढ़ा पाते हैं। इसी तरह से है रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स का भी आप देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स ट्रैक्स हैव गैप्स हैव गैप्स बिटवीन द रेल्स बिटवीन द रेल्स अब इसके बीच में अगर गैप नहीं होता यदि, तो वो आपके समर में जो है क्या होता है, गर्मी में आपका एक्सपेंड करते हैं और एक्सीडेंट का रीज़न बनता है। तो रेलवे ट्रैक्स के जो बीच में गैप होता है वो यही उसका रीज़न है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो ट्रैक पर अगर गैप हो नहीं होगा, अगर आपके इफ़ देयर आर नो गैप, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स पर आपस में अगर गैप नहीं होगा, तो समर सीज़न में वो एक्सपेंड करेंगे और वो एक्सीडेंट का कारण बनेंगे। ये गैप जो है अलाउ करता है एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट वेदर, तो ये गैप आपका ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप गैप्स के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप गैप्स को भी बता सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, द गैप्स The gaps allow expansion during hot weather.
हॉट वेदर। तो ये आप गैप जो है अलाउ करता है एक्सपेंड होने के लिए हॉट वेदर के अंदर। हॉट वेदर जब होता है आपका गर्मी का मौसम, तो ये गैप जो है फैलता है, गैपिंग इसके बीच में जो होती है वो हेल्प करती है एक्सपेंसर होने के लिए। इसमें और आप देख सकते हैं, ऑन हीटिंग मर्करी एक्सपेंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज इट इज़ यूज इन थर्मामीटर। लास्ट एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल ऑन हीटिंग मर्करी एक्सपेंड्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। आप दे सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन समझा सकते हैं एक्सपेंसर की। पहला है आपका ब्लैक स्मिथ हीट आयरन टूल्स, सेकंड है आपका मेटल रिम्स ऑन द व्हील्स ऑफ वुडन कार्ट, वुडन कार्ट्स कैन बी फिटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। सेकंड थर्ड है आपका रेलवे ट्रैक्स। इसी तरीके से आपका है, इसी तरीके से रेलवे ट्रैक्स हैव बिटवीन गैप्स द रेल्स, रेलवे ट्रैक्स हैव गैप्स बिटवीन द रेल्स एंड द गैप अलाउ एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट वेदर। ये भी आपको मैंने समझा दिया कि कैसे होता है। ऑन हीटिंग मर्करी एक्सपेंड करती है हीटिंग के दौरान। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, उसके इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्सपेंशन क्या होता है, सब्सटेंसेस का एक्सपेंशन को हम कैसे बता सकते हैं। इसका पूरा टोटली इफ़ेक्ट डिपेंड करता है हीटिंग प्रोसेस पर, और उसका उसके एप्लीकेशंस आपने देखे ये फोर में पॉइंट्स के अंदर आप इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का डिस्कशन आपका नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका डिपेंड ऑन द कूलिंग प्रोसेस, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हो। ओके, बाय।